हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नेक डिज़ाइन तो जैसे आप कुर्ती काटते हैं फर्स्ट वैसे काट लेना देन नेक से देना फोर एंड नीचे से थ्री तो हम बोट नेक वाला डिज़ाइन कर रहे हैं इसके लिए मैंने फ़ोर दिया और नीचे से थ्री दिया आप टू हाफ़ भी दे सकते हो कुछ नहीं मुझे थोड़ा नीचे चाहिए इसके लिए मैंने थ्री दिया है तो ऐसे बॉक्स कर लेना बॉक्स करने के बाद उसमें से थोड़ा गुलाई दे देना जैसे मैं दे रही हूँ ध्यान से देखिए वैसे ही गोलाई दे देना है। तो आपको ऐसे गोलाई दे देना है देन हम कट कर लेंगे देखिए मैं जैसे कट कर रही हूँ थोड़ा हाथ को घुमा के कट कर लेना और अब हम डिज़ाइन का कटिंग देंगे तो डिज़ाइन हमारा फ्रंट है सिक्स आप और बैक है सेवन तो फ्रंट का मैंने सिक्स आप दिया है देख रहे हैं आप कैसे चौक मार्क दिया है वैसे ही दे देना पूरा तो देन हम क्या करेंगे देखिए मैं जैसे कर्व दे रही हूँ आपका ये डिज़ाइन है इसके लिए थोड़ा कर्व देना होगा आपको ऐसे कर्व दे देना अच्छे से हाथ को घुमा कर देना देन कट कर लेना तो देखिए अब हमारा बैक नेक कितना है सेवन है इसके लिए मैं सेवन में मार्क दे रही हूँ एक साथ हम दोनों नेक का मार्क दे देंगे इससे हमें थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा तो इसको भी ऐसे ही कर दे देना जैसे मैं दे रही हूँ उसके बाद कट कर लेना तो ध्यान से देखिए आप नीचे वाले मार्क में ही नहीं काटना है आपको ऊपर वाले मार्क में ही काटना है तो ध्यान से देखकर काटना नीचे वाला नहीं काट देना नहीं तो गलत हो जाएगा ऊपर वाला मार्क में जैसे काट रही हूँ वैसे ही काटना तो देखिए हमारा कटिंग करके कंप्लीट हो गया है अब हम क्या करेंगे एक कपड़ा को अलग कर लेंगे यानी हमारा जो फ्रंट पार्ट होगा उसको हम अलग कर लेंगे उसके बाद बैक पार्ट को काटेंगे याद रखिए ध्यान से काटना नहीं तो गलत हो जाएगा एक पार्ट को अलग करके ही काटना तो देखिए ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है नेक का अभी हम नेट लेंगे नेट लेंगे डिज़ाइन के लिए तो जहाँ से हमने वो जो, जो काटा था आधा उसको लेकर आप नेट का कटिंग कर लेना तो देखिए अब हम काट लेंगे नेट को मैंने काट लिया है देखिए नेक और साइड का जो है हमारा आर्म होल उसको सेम ही काटना है बट नीचे आपको थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रखना होगा नहीं तो गलत हो जाएगा स्टिचिंग के वक्त छोटा हो जाएगा इसके लिए याद करके आधा इंच ज़्यादा रखिए और उस आधे इंच को ही सिला कर ले जाइए सिलाने के वक्त ये भी याद रखिए देन हम सेकेंड पार्ट हमारा काटेंगे तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है बैक पार्ट है हमारा सेवन तो जो छोटा वाला कट हमारा निकला है कुर्ती से उसको यहाँ पर रखेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा दे देंगे देकर काट प्लेन तो देखिए अब हम नेक का डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट आपको क्या करना है फ्रंट बैग को अलग कर देना है और फ्रंट के कपड़े के ऊपर क्या करना है आपको नेट जो हमने काटा था उसको जैसे मैं आधा कर रही हूँ देखिए मार्क देकर आधा निकाल देना है उसका उसका आधा निकालने के बाद मिडिल निकालने के बाद मिडिल को कुर्ती के मिडिल में रखना है और सिलाई जैसे मैं कर रही हूँ देखिए ध्यान से वैसे ही लास्ट तक सिलाई करके ले जाना है आपको खींचना नहीं नहीं तो हमारा नेट बड़ा हो जाएगा याद रखिए तो ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी वैसे ही कर देना है सिलाई कर देना ऐसे अगर आप मिडिल में रखोगे तो क्या होगा आपका ज़्यादा खिंचाई नहीं आएगा नेट में तो अब देखिए हम क्या करेंगे इनर लेंगे इनर को हमारे मेन कपड़े के नेट के ऊपर रखेंगे याद रखिए मेन कपड़े के नेट के ऊपर रखोगे और इसको भी सिलाई कर लोगे ध्यान से करना ये पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है अच्छे से सिलाई कर लेना सिलाई करते हुए पूरा लास्ट तक ले जाना है आपको देन हम क्या करेंगे कट लगा देंगे नहीं ये हम मेरा सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट भी वैसे ही सिलाई कर लेंगे यानी बैक पार्ट वैसे ही इनर को ऊपर रख कर सिलाई कर लेंगे देखिए मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है पूरा ध्यान से नेट खींचना नहीं चाहिए आपको तो अब हम उसे क्या करेंगे उल्टा करेंगे देखिए कट कर कट दे रही हूँ कट देने के बाद उल्टा कर लेंगे तो ऐसे आपका डिज़ाइन ऐसे आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे सिलाई दे देंगे आपका जो नेट और मेन कपड़ा का जोड़ है वहाँ पर हम क्या करेंगे सिलाई दे देंगे अच्छे से सिलाई देना दोनों की तरफ़ सिलाई दे देना बैक और फ्रंट दोनों की तरफ तो देखिए हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है अभी हम क्या करेंगे नेक का पट्टी अटैच करेंगे तो इसके लिए हमें क्रॉस कपड़ा चाहिए याद रखिए और उल्टा करके कुर्ती को उल्टा करके हम पट्टी देंगे क्योंकि ये हमारे सीधी की तरफ जाएगा और पूरे नेक में आपको सिला देना है इसके बाद देखिए मैंने कट दे दिया है आपको भी वैसे ही कट देकर टू फोल्ड कर देना है देखिए मैं जैसे टू फोल्ड कर रही हूँ और इस तरफ ले आना है कपड़े को अच्छे से ले आना नहीं तो गंदा लगेगा देन पूरे नेक में वैसे ही टू फोल्ड करते हुए आपको नेक कंप्लीट कर देना तो देखिए ऐसे ही आपको नेक को पूरा सिलाई कर देना है और ये हमारा कंप्लीट हो गया अब हम बैक पार्ट भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे जैसे फ्रंट पार्ट किया था अब हम दोनों पार्ट्स को मिला लेंगे उसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे देखिए एक पार्ट के ऊपर रखकर और एक पार्ट उल्टा और सीधा देख कर करना अगर फर्स्ट टाइमर हो तो गलत हो जाएगा इसके लिए तो हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो अब हम हैंड जॉइंट करेंगे शोल्डर जॉइन करने के बाद तो आधा मिडिल को करके कर लेंगे मार्क देकर जैसे अब मैं करती हूँ तो आधा को आधा में रख कर ऐसे अच्छे से कर लेना खींचना नहीं है आपको नॉर्मल ही मशीन को घुमाना है तो देखिए फिटिंग करने के बाद आपका कुर्ती कुछ ऐसा दिखाई देगा तो कैसा लगा कुर्ती का ये नेक डिज़ाइन आप मुझे कमेंट करके बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना